हाय फ्रेंड्स, दिस इज एडी। वेलकम टू माय चैनल एडी एक्वा वर्ल्ड। मैं आज जो टॉपिक में बात करने वाला हूँ और मैं आपको लाइव भी दिखाने भी वाला हूँ, तो आज जो है मेरे पास ये 100 पीसीस का सॉर्टिंग किया हुआ कुछ मेरा चिगलेट्स है। ओके, इसमें क्या है, मोस्टली आपको बनानाज है, आइस ब्लू और पाउडर ब्लू है। तो तीन मिक्स लॉट था मेरा, तो उसमें से क्या अधिकतर मेरा ऑलरेडी 90% स्टॉक आउट हो चुका है। तो अभी ये नया स्टॉक का प्रोसेस है। तो फिलहाल जो ये बस मेरा ये टंकी खाली था, तो मैंने क्या किया, इधर पर छोड़ने वाला हूँ। अभी दोस्तों मैं आपको जो ही ये टंकी का वीडियोस के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, अगर किसी को स्टार्टअप करना होता है तो बहुत जन का ये रहता है क्वेरी कि नॉर्मली जो होता है कि स्टार्टअप करने के लिए, मैं देखता हूँ बहुत कोई ये करता है। तो दोस्तों अगर आपको स्टार्टअप करना है चिगलेट में, अगर जो लोग चिगलेट हॉबीस्ट हैं, तो मैं उसके लिए कहूँगा, देखिए अगर चिगलेट आपको अच्छा लगता है तो चिगलेट लेकर आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। चिगलेट का एक बेनिफिट्स क्या होता है, एक हार्डी फिश होता है बहुत, ठीक है, और बहुत एक्टिव फिश होता है मोस्टली। ये मेरा तो बहुत फेवरेट होता है, स्पेशली अफ्रीकन चिगलेट, मालवाई चिगलेट जो होता है, ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं क्या करूँगा, ये सारे मेरा अपना ही ब्रीडिंग है, ठीक है। तो इधर ये नॉर्मली जो है आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। इसका अराउंड जो प्राइस का अगर हम बात किया जाए, तो फिर आपको 100 पीसेस का, अगर 1 इंच का जो फ्राई होता है आपका, 1 इंच प्लस का या फिर 1.5 इंच तक जो आपका साइज होता है, ओके, तो ये चिकलेट का ऐसा प्राइस है, तो आपको 10 से 12 वीक जाता है। ओके, ये एक नॉर्मल प्राइस होता है, एवरेज में बता रहा हूँ। अब देखिए, सब जगह का सेम नहीं भी हो सकता है, तो आपको मिनिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 जा सकते हैं, 15 का ओवर कभी भी नहीं जाएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अभी जो है देखिए, इसका नीचे भी एक साइज होता है जहाँ पर आपको अराउंड 5 रुपीज़ में आपको मिल जाता है चिगलेट्स, वो बहुत छोटा होता है दोस्तों। मैं स्टार्टअप जो लोग बिगिनर्स हैं फार्मिंग में, तो मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग पैसा कोई भी फीस उठा के कीजिए, क्योंकि उसमें डैमेज अलग होता है, उसका केयर अलग होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर स्टार्टअप करना चाहते तो फिर ऐसे कर सकते। चलिए पहले मैं इस फीस को छोड़ देता हूँ दोस्तों, ये पहले से मेरा टंकी में डाला हुआ था, 5 मिनट के ऊपर होने वाला है, तो इसमें ऑक्सीजन किया हुआ नहीं है, तो पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों मैं छोड़ने से पहले आपको कुछ चीज़ बता दूँ, कभी भी अगर टंकी में, अगर आप नया टंकी में मच्छी छोड़ते दोस्तों, तो मेक श्योर आपका जो भी मच्छी है वो आप हाथ से ना निकल के छोड़े। आपको क्या करना है, बस इधर का जो पानी है, दो पानी का ऐसे मिला लेना है, जैसे मैं मिलाया हूँ। ओके, तो मिलाने के बाद इसको क्या करना है, ऐसी पैकेट जो है आपका प्लास्टिक को डुबो देना है दोस्तों। ओके, तो डुबो देने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो भी मच्छी कैसे ऑटोमेटिकली आपका निकल जा रहा है बाहर। निकल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बस ये जो प्लास्टिक है, इसको हम लोग जो भी एक दो मच्छी बचा खुचा रहता है, उसको पहले हम हाथ से निकल के टंकी में दे देंगे। बाकी जो भी ये पुराना पानी है मेरा प्लास्टिक में, जो भी भरा हुआ पानी रहता है, इसको हम लोग ये नया टंकी में नहीं देंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग फेंक देंगे नॉर्मली। तो देखिए अभी हो गया मेरा, बस यही था वीडियो, ठीक है। अभी देखिए मैं आ जाता अभी बात, तो इधर पर मैंने और एक चीज़ की, इधर पर एक स्पॉन्ज फिल्टर की भी मैंने यूज़ किया हूँ, ताकि कोई ऑक्सीजन का कुछ इशू ना हो। और मैंने एक दो छोटा मोटा पत्थर दे दिया, बस ऐसे ही, मैंने इसका कोई ये नहीं है कि देना ही पड़ेगा, बस मैंने ऐसे ही दे दिया हूँ, मुझे अच्छा लगा, मेरे पास था तो मैंने दे दिया हूँ। तो आप लोग चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं है, मगर एक दो हाइडिंग स्पेस देने से क्या होता है कि थोड़ा अच्छा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये नॉर्मली आप, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसका जो प्राइस होता है आपको 10 से 15 मैक्सिमम जाता है, अगर मैं एवरेज पकड़ता तो 12 का हिसाब से भी मैं पकड़ लेता हूँ दोस्तों। तो इसको मतलब कि 100 पीसेज मच्छी खरीदने में आपका कॉस्टिंग जाता है 1200 रुपीज़। ओके, तो 1200 का अगर आप मच्छी खरीदते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे जाके अगर आप 100 पीस का मच्छी सेल करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है, अगर आप इसको लॉट में सेल करते दोस्तों, तो आपको 3 इंच का साइज का जो प्राइस जाता है, 2.5 से 3 इंच का, आपको 25 से 30 रुपया ईच जाता है दोस्तों। नॉर्मल जो मार्केट प्राइस का मैं बता रहा हूँ, अगर आप लॉट पे लाइक 100 पीसेस का, या फिर जो भी आपका शॉपकीपर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स को अगर आप जाके इसको परचेस सेल करते हैं, तो आपको ये अराउंड प्राइस आता है। और अगर आप इसको रिटेल करना चाहते हैं, लेकिन एक दो पीस छोड़ छोड़ के, जैसे कि आप लोग नॉर्मल रिटेल करते, आपको पता है शॉप में जाके आप पूछ सकते हैं, अगर 3 इंच का कोई भी ऐसा मच्छी होता है, तो उनका प्राइस मिनिमम एटलीस्ट आपको एक एवरेज रेट बताया जाए, तो जो एक कॉमन रेंज होता है वो 50 का होता है, तो आपको ये 45-50 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप 50 में भी इसको आप सेल कर सकते, या फिर अब होलसेल या रिटेल का दोनों मिला के अगर आप एवरेज पकड़ लेते हैं, तो 30 से 35 का भी अगर पकड़ लेते हैं दोस्तों, तो भी आपका 3 से 4 थाउजेंड आपको आ जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एंड पे लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को साथ आप जो शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल जैसे कि मेरे नए हैं और आप सब भी नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपका ऐसा वीडियो फ्यूचर में भी चाहिए होता है तो। और मेक श्योर आप जो बेल आइकन होते हैं उसका प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है वीडियो छोड़ती आपको नोटिफाई किया जाए।
धन्यवाद दोस्तों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको जो है कोशिश कीजिए अगर जो भी इंटरेस्टेड हो तो, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई विश्वविद्यालय हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।